Hey, what's up guys, this is Abhishek और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे Infinix S5 Pro का यहाँ पे फेस अनलॉक कितना क्विक, कितना सिक्योर, कितना फास्ट है यहाँ पे। जी हाँ, Infinix S5 Pro के ऊपर मैंने अनबॉक्सिंग डाल ही दिया है, गेमिंग रिव्यू भी डाल दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आई सेक्शन में मिल जाएगा, जरूर जरूर उस वीडियो को देखो। और आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स, हम करेंगे इस Infinix S5 Pro का यहाँ पे हम देखेंगे इसका फेस अनलॉक। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो पॉप आउट निकलता है, यही हम देखेंगे क्या ये पॉप आउट फास्ट है, खुलता है क्या, फिर मतलब कैसा इसका जो वर्किंग है वो किस तरीके से काम करता है, तो यही हम वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को एंड तक जरूर जरूर देखना। तो जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस Infinix S5 Pro का यहाँ पे बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स एक जो बोल सकते हैं कि फेस अनलॉक जो पॉप आउट वाला कैमरा आता है 16 मेगापिक्सल का, उसी का हम रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या वो फेस अनलॉक फास्ट है, कितना क्विक है, सिक्योर है कि नहीं, और कितना मतलब बोल सकते हैं कि एक्यूरेट है यहाँ पे, अगर उसकी एक्यूरेसी की बात किया जाए तो। उससे पहले देख लीजिए Infinix S5 Pro कुछ इस तरीके से दिखता है। फुल व्यू यहाँ पे, फुल स्क्रीन डिस्प्ले, यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी नॉच या फिर कुछ भी नहीं। और बैक पोर्शन यहाँ पे देख लो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ट्रिपल कैमरा के साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर और Infinix का ब्रांडिंग। यहाँ पे जैसे कि मैं बता दूं, देख लीजिए कुछ इस तरीके से, देख लीजिए कैमरा खुलेगा यहाँ पे, ये देख लीजिए ये कटआउट बेसिकली ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ये जो मॉड्यूल है कैमरा इसी में से यहाँ पे पॉप आउट होता है, देख लीजिए, देखा किस तरीके से पॉप आउट होता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक साउंड भी हैप्टिक साउंड प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे देखेंगे तो ये बंद हुआ और ये यहाँ पे ओपन, तो करीबन 0.5 सेकंड मुझे लगता है या फिर 0.3 सेकंड लेता है ओपन होने में यहाँ पे। अब हम फेस अनलॉक जैसे कि बताया इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो यहाँ पे मैंने फेस एनरोल कर लिया है अपना। अब यहाँ पे मैं इसको लॉक किया हूँ, अब यहाँ पे ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये काम करता है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे इसे मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसे ये देख लीजिए अनलॉक, यहाँ पे लॉक किया, प्रेस किया स्लाइड, तो जैसे ही पॉप आउट ऊपर की तरफ निकलता है वैसे ही ये ओपन हो जाता है। एक बार फिर से मैं आप लोग को अच्छे से दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए ये है मेरा कैमरा फ़ोन, पॉप आउट हुआ यहाँ पे खुल गया, ये देख लीजिए ये यहाँ पे ऐसे पॉप आउट होता है और ये यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब ये तो हो गया नॉर्मल के थ्रू, अब मैं अपना आइस क्लोज करता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये ओपन होता है आइस क्लोज करने के बाद भी। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं आइस बंद करता हूँ, ये यहाँ पे ओपन किया, तो यहाँ पे आइस देखो ये नहीं खुला, ये देख लीजिए यहाँ पे ये नहीं खुला। एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं, यहाँ पे मैं आइस को बंद कर लेता हूँ और ये यहाँ पे देख लीजिए नहीं खुला, ये अभी भी नहीं खुला, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, बोल सकते हैं जो फेस अनलॉक है वो यहाँ पे सिक्योर है, एक्यूरेट भी है। देख लीजिए थोड़ा सा ये जो टाइम लेता है यहाँ पे ऊपर आने के लिए, बस उतना ही सेकंड्स टाइम लेता है यहाँ पे ऊपर आने में, जैसे वो ऊपर आता है आपके फेस को डिटेक्ट करता है वहीं से ऊपर हो जाता है। देख लीजिए मैं यहाँ पे आँख खोल के रखता हूँ अभी और यहाँ पे देख लीजिए जैसे ये ऊपर की तरफ खुलता है वैसे ये आपके फेस को डिटेक्ट करता है और यहाँ पे ये ओपन कर लेता है। एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए इसको मैंने ओपन किया और ये यहाँ पे देख लीजिए ऊपर की तरफ निकला और ये यहाँ पे फेस अनलॉक यहाँ पे हो गया। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ऊपर की तरफ यहाँ पे आता है और यहाँ पे देख लीजिए ओपन हो जाता है। देख लीजिए अभी मैं फेस अपना हटा के रखता हूँ, देख लीजिए अभी तक फिर भी खुल गया, लगता है एक आँख से इसने डिटेक्ट कर लिया है। फिर एक बार फिर से देखते हैं साइड्स के थ्रू, नहीं हुआ ये तो मतलब वो शायद मुझे लगता है मेरे आइस को यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया हो, इसके वजह से साइड से थोड़ा सा खुल गया हो। अब हम क्या करते हैं, हल्का सा मैं एक आँख से इसे देखता हूँ और फिर देखते कैसा है। जी हाँ, आइस से ये डिटेक्ट कर ले रहा है, आइस से यहाँ पे ये ओपन कर रहा है। ये जो फिंगरप्रिंट्स, ये जो फेस अनलॉक है बेसिकली आयरिस स्कैनर वाला नहीं है, बट यहाँ पे सिक्योरिटी मतलब हार्डवेयर उसमें कुछ इस तरीके से लगाया गया है कि आपके आइस को यहाँ पे स्कैन कर रहा है। देख लीजिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कैमरा खुला है, एक बार फिर से मैं इसे बंद करता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे मैं देखता हूँ कैमरा की तरफ, नहीं देखता हूँ अब मैं यहाँ पे कैमरा की तरफ देखता हूँ, ये देख लीजिए आइस को बस मैं। तो जी हाँ, ये आपके फेस अनलॉक में आपके आयरिस या फिर आइस के मॉड्यूल्स को मुझे लगता है लेता होगा, पॉइंट्स को लेता होगा, उस हिसाब से ये यहाँ पे ये ओपन करता है। एक बार फिर से देखेंगे तो यहाँ पे मैं फेस को साइड में किया हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं लाता हूँ देख लीजिए हल्का सा भी अपने ये, अगर आपके जो फेस, ये जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे जो फ्रंट फेसिंग कैमरा ये आपके आइस को देखेगा, अगर आइस में बराबर आ गया तो ये यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। तो ये देख लीजिए फ्रंट फेसिंग कैमरा इस Infinix S5 Pro का बहुत ही अच्छा है और काम कर तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो यही है वीडियो Infinix S5 Pro के फ्रंट फेसिंग कैमरा के ऊपर, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे जो सिक्योरिटी वाइज भी बहुत ही अच्छा, और मतलब आपके आइस को स्कैन करके ये ओपन कर रहा है, तो इसके लिए थम्स अप। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ना बने रहिए टेक्नोलॉजी चैनल के साथ। और इसका कुछ भी और भी चाहिए आपको तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, वो भी मैं आपको लाके दे दूंगा। वीडियो पसंद आया जैसे मैंने, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बने रहिए टेक्नोलॉजी चैनल के साथ। बोलते रहिए जय हिंद, पीस आउट।